सो अभी आपने जो फर्स्ट में रील्स की ट्रेंडिंग वीडियो देखी, अगर आप इस तरह की वीडियो केवल एक क्लिक के अंदर बनाना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को लास्ट देखने को, और आपको बता दें ये वीडियो और जो म्यूज़िक है इसमें ये अभी रील्स पर काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अगर आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हो आपकी वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। उससे पहले गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हो और आपको बताते हैं। ऑल राइट, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको ना एप्लीकेशन की ज़रूरत ना टेम्पलेट की, ठीक है। आप इंस्टाग्राम ऐप से ही अपनी वीडियो को बना सकते हो। तो आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर रहे हैं, आपको जाना है रील्स में और यहाँ पे कैमरा ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको सबसे पहले जाना होगा इफेक्ट में, ठीक है। तो इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, साइड में ऑप्शन मिलता है, क्लिक करें इफेक्ट पर, फिर आपको जाना है सर्च पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लिकर, और आपके सामने बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे। जो फर्स्ट में फ्लिकर वाला फिल्टर है, ठीक है, इसे ओपन कर रहा है, आपको इस लोगो को देख लें, ठीक है। आपने इस फिल्टर को सेव कर रहा है, फिल्टर सेव करने के लिए साइड में आपको एक बॉक्स का आइकन शो कर रहा है, क्लिक करना है, ठीक है। इसे आपको वाइट करना होगा, तो इसे वाइट करते देख लीजिए, वाइट हो गया, समझ लो फिल्टर सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बैक होना है, आपको स्टोरी टैब ओपन करना है, ठीक है। तो ये बैक होते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं स्टोरी में, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टोरी टैब ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको एक फ़ोटो ऐड करनी है, फ़ोटो ऐड हो चुकी है। अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ छोटा होता है तो आप दो फिंगर की मदद से स्क्रीन में जूम करना और फुल साइज़ हो जाएगा फ़ोटो का, ठीक है। और अब इस फोटो में फ्लिकर इफेक्ट ऐड करना ब्लैक वाला, तो ऊपर ऑप्शन मिलता है इफेक्ट, क्लिक कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर शो करते हैं। यहाँ पर वही फिल्टर शो करते हैं जो आपने सेव करे हो, जो हमने फिल्टर अभी सेव करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, इसे सेलेक्ट करते हैं और देख लीजिए फोटो में ब्लैक फ्लिकर इफेक्ट ऐड हो चुका है। फिर आपको डन पे क्लिक कर रहे हैं और अब इसमें एक फ़ोटो और ऐड करनी है, तो आपको स्टिकर पे क्लिक कर रहे हैं और इस प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, आपने उस फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करते हैं, ये देख लीजिए फोटो आ चुकी है। आप फोटो पर टच करके फोटो का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, देख लीजिए। तो हम इस साइज़ में करते हैं और इसे मैं यहाँ पर साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो देख लीजिए एडजस्ट हो चुका है और अब इस वीडियो को सेव कर रहा है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर रहे हैं और सेव पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। और आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव करनी है। वीडियो सेव होने के बाद आपको बैक हो जाना है, फिर से होम स्क्रीन में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक हो जाते हैं और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, म्यूज़िक लिंक, आप सीधा क्लिक करोगे आपके सामने एक रील्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपके सामने ये वाला साउंड ओपन होगा, आपको बता दें, सो आपके सामने ये वाला साउंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए अभी ट्रेंडिंग में इस साउंड में काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो गए इसी तरह के, ठीक है। ओपन हो जाएगी और आपको क्रिएट विद ऑडियो पे क्लिक करना है और फिर आपको गैलरी पे क्लिक करना है और जो वीडियो भी सेव करी हो उसे ऐड करना है। वीडियो ऐड हो जाने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो देख लीजिए वीडियो में ऑडियो ऐड हो चुका और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर अपने यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग लगाने के बाद वीडियो शेयर कर लेनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।